हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है मेरे टेरेस गार्डन में आप लोगों का। जो फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये देखिए, विंटर्स की तैयारियां मेरी जोरों शोरों से चल रही हैं। ये देखिए पॉटिंग मिक्स, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और परलाइट मिलाया हुआ है। तो इस तरह से आप भी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। मैंने सोचा आज कुछ सीड की फिर से सीडलिंग कर दें। तो ये देखिए, जो पैकेट नहीं आते हैं, जो प्लांट्स हम नर्सरी से लेके आते हैं, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। तो उसमें मैंने कुछ सीडलिंग किया है और ये देखिए भर लिया मैंने इसको। और मैंने सोचा आज कुछ बीन्स, कुछ धनिया, इन सब चीज़ों को ग्रो किया जाए, टमाटर वगैरह। तो ये देखिए, इस तरह से आप सीडलिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने सारे बैग में एक एक सीड डाल के सीडलिंग कर दी अपनी बीन्स की। फ्रेंच बीन है ये फ्रेंड्स। अब देखती हूँ इसका जर्मिनेशन कैसा होता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से सीडलिंग हो गई और थोड़ा थोड़ा मैंने पानी स्प्रे कर दिया है फ्रेंड्स। अगर आप भी अपने विंटर्स की सीडलिंग करना शुरू नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स शुरू कर दें, नहीं तो लेट हो जाएगा। सही समय पे अगर आप सीड नहीं डालेंगे तो अच्छी जर्मिनेशन भी नहीं होगी और आपका प्लांट्स एक्चुअली में लेट हो जाएगा, तो फ्रूटिंग अच्छी नहीं करेगा। तो समय पर करें। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा थोड़ा सा धनिया लगा दिया जाए। अभी गर्मी तो बहुत हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो रहा है दिन का। अगर आप भी धनिया लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप धनिया लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाता है। और आप मार्केट से धनिया लेके लगाइए, और जो घर की धनिया होती है जो यूज़ करते हैं उसको मत लगाइए, क्योंकि जो मार्केट में धनिया मिलती है उस धनिया को आप कई बार उसको काट सकते हैं, फिर से उसमें से ब्रांचेज निकलती रहती हैं। तो इस तरह से आप धनिया को बेलन की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से हल्का सा क्रश करके दो पार्ट में कर लीजिए। आप पानी में 5-6 घंटे भिगो के भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। इस तरह से आप स्प्रिंकल करके धनिया को लगा सकते हैं। धनिया बोना बहुत ही आसान है, कोई भी धनिया बो सकता है अपने गार्डन में। इस तरह से आप ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए सीड्स को। इस तरह से आप धनिया ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि उसमें नमी बनी रहे। इसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा टमाटर के सीड डाल दिए जाए। इसके पहले भी मैंने टमाटर के सीड डाले हैं, चेरी टमाटर और हाइब्रिड जो बड़े वाले टमाटर होते हैं उसके सीडलिंग मैंने कर दी थी। तो मेरा जर्मिनेशन भी हो गया है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी कुछ देर में। ये देखिए, इस तरह से आप स्प्रिंकल करके इसकी भी सीडलिंग कर सकते हैं। इस तरह से हल्का सा दबा के ऊपर से हल्की सी इसमें पॉटिंग मिक्स डाल दीजिए आप। इस तरह से आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए शिमला मिर्च, ये देखिए, ये शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसके सीड मुझे थोड़े से अच्छे लगे, मैच्योर दिखे, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं इसका जर्मिनेशन होता है कि नहीं। तो बस फ्रेंड्स, ट्राई करने के लिए, ये जो हम लोग शिमला मिर्च यूज़ करने के लिए लाते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, उसमें से सीड निकाल के ट्राई कर सकते हैं, कि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी विंटर की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है फ्रेंड्स। आपकी चल रही है कि नहीं? अगर आपने अभी तक गार्डनिंग नहीं शुरू की है तो शुरू करें। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें लेबलिंग भी कर दी कि मुझे नाम याद रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं टेरेस गार्डनिंग करना, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप भी शुरू करें। ये देखिए, मेरी सारी सीडलिंग्स की जर्मिनेशन अच्छी हो गई है। बस सभी फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी मेरी नहीं निकली है। ये देखिए जुकूनी, 3 ही प्लांट लगाए थे और तीनों हो गए हैं। ये देखिए कॉलीफ्लावर है, इसकी भी जर्मिनेशन अच्छी है। बाकी फ्रेंड्स, ये देखिए सब सारे प्लांट्स मतलब निकल आए हैं, अच्छी जर्मिनेशन है। अब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इसको फिर लगा दूँगी। तब तक मेरा ट्रे भी खाली हो जाएगा। अभी सब में फ्रूटिंग हो रही है, भिंडी वगैरह अभी फ्रूट्स लग रहे हैं उसमें, मतलब भिंडी में।
ये देखिए टमाटर है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सबकी मतलब अच्छी जर्मिनेशन हो गई, बस स्ट्रॉबेरी नहीं निकली है फ्रेंड्स। पता नहीं अभी वो निकलेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी अपनी विंटर्स की तैयारियां शुरू कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। प्लांट भी मार्केट में मिलते हैं, वो भी ला के लगा सकते हैं, टमाटर, बैंगन, गोभी, बाकी मूली, धनिया, ये सब तो आपको लगाना पड़ेगा, जो भी आप वैराइटीज़ लगाना चाहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।